मात्र 16 बरस की बाली उम्र में हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की गिनती उस समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में की जाती है, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने टैलेंट के दम पर हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। जहां पूनम आज 58 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चल पाता। बॉलीवुड में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद पूनम के पीछे फिल्मों की लाइन लग गई थी। इन्होंने फिल्मों में अपने किरदार तो किए ही, साथ ही इन्होंने कई हीरोइनों के किरदार भी छीन लिए थे। फिल्मों के साथ इन्होंने थिएटर और छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। लेकिन आज हम आपको पूनम ढिल्लों के गांव और उनके जीवन से रूबरू करवाने वाले हैं कि आखिर पूनम ढिल्लों कहां से बिलोंग करती हैं, और उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था और उनके पिता भारतीय वायु सेना के एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। कानपुर एक बेहद ही सुंदर जगह है और इस छोटे से शहर से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाना पूनम ढिल्लों के लिए आसान नहीं था। कई हिट फिल्में देने वाली पूनम ढिल्लों ने महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीत लिया था। पूनम इतनी खूबसूरत थी कि निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म त्रिशूल का ऑफर दे दिया था। एक्ट्रेस बन पूरी दुनिया में छाने वाली पूनम एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बता दें कि पूनम ने अपनी डेब्यू फिल्म त्रिशूल में पहले काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफी समझाने पर वो मान गई थी। पहली ही फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाने वाली पूनम को त्रिशूल में संजीव कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे नामचीन सितारों के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म की सफलता के बाद इन्होंने लगातार न जाने कितनी फिल्मों में काम किया, जिनमें जुदाई, कर्मा, तेरी कसम, लैला, रेड रोज, बसेरा, झूठी शान और काला पत्थर जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं, जिनमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। उन्होंने वर्तमान में भी अपने करियर को जारी रखा हुआ है और हाल ही में आई फिल्म जय मम्मी दी में इन्हें देखा गया था। बता दें कि पूनम बिग बॉस सीजन 3 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। बिग बॉस 3 की वो सेकंड रनर अप भी रही थी। इसके साथ ही इन्होंने अंदाज और किटी पार्टी जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। वहीं अगर प्रोफेशनल लाइफ के बाद इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पूनम अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। इन्होंने साल 1988 में फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया से शादी की थी। शादी के बाद पूनम ने करीब 5 सालों तक फिल्मों में काम नहीं किया था। इसके बाद साल 1997 में एक बार फिर इन्होंने जुदाई फिल्म से वापसी की। पूनम की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी और दोनों अलग हो गए थे। इन्होंने साल 1997 में अशोक ठकेरिया से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद पूनम अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के गांव और उनके जीवन से जुड़ी इन सभी बातों को जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना